तो फिर बहुत सारे ओकेजन आते हैं कि मन करता है कि मम्मा को, मैम को, पापा को, भैया को, दीदी को अपने हाथ से कुछ बना के। आज मैं आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से रोज बनाना बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले एक सॉल्ट एंड रिबन लोगे, जो कलर आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नियर अबाउट 1 मीटर आप चौड़े सॉल्ट एंड रिबन भी ले सकते हो, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका ये क्रॉस जॉइनिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यहाँ से आप इसको ऐसे, ये ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ पे क्रॉस है, अब आप इसको थंब लगाओगे, इसको जस्ट एक वन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, फिर वन डायरेक्शन, फिर अपोजिट। आप इसको तब तक करते जाओगे जब तक कि आप ये लास्ट में नहीं पहुँचते। और ये हम लास्ट तक आ गए, इसे ऐसे, तो लास्ट में ये जो अंदर जो पार्ट रह गया हमारे, ये इसको पकड़ के हम, ये ऐसे आपका हुआ ना, ये देखो ऐसे, तो लास्ट में जो अंदर, इसको ऐसे खींचोगे, ब्यूटीफुल रोज, ठीक है, ये रोज। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो है छोटा वाला स्ट्रिप, इसको पकड़ के इसको अपने हाथ से ऐसे घुमाया, और ये ऐसे, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप मम्मा की हेल्प से आप नॉट बांध सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नॉट बन गया। अब ये एक्स्ट्रा जो रिबन आपके निकले हैं, आप इसको कट करके निकाल दो। ये हमारा ब्यूटीफुल सा रोज तैयार है, देखो इसमें कितनी सारी पेटल्स आई हैं, है ना, खूब सारी पेटल्स के साथ। ये आप इजली घर पे बना सकते हो, इसको बस आपको सॉल्ट एंड रिबन को फोल्ड करना है, ठीक है। हम एक और तरह के रोज़ बनाना सीखते हैं। पेपर लेंगे और सर्कल के साइज़ में जैसे आपने सर्कल के शेप में इसको किया है, वैसे ही आप इसको सीजर से कट कर लोगे, ठीक है, ऐसे। क्यों ये कट होके इस शेप में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से आप इसको रोल करना स्टार्ट करोगे ऐसे, और ये पूरे एंड के पॉइंट तक आप रोल करते जाओगे। ये रोल होते होते यहाँ तक आया, ये वाला पॉइंट है आपको, यहाँ पे आप ऐसे फेविकोल लगाओगे, ठीक है, और इसको ऐसे, करके ये ऐसे आप इसको थोड़ा सूखने दोगे, और सूखने के बाद थोड़ा सा सेटअप करने के लिए थोड़ा सा ढीला करोगे, ये इस शेप में आ जाएगा, इट्स लाइक अ रोज, ठीक है। तो बच्चों आज आपने 2 तरह के रोज बनाना सीखे, ठीक है। और लीव्स मैंने आपको बताई है कि लीव्स की कटिंग कैसे होगी, आपको बताई है। आप लीफ वैसे कट करके इस वाले पोर्शन को आप ग्रीन कलर के टेप से कवर करके लीफ लगा के आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। मैं बताती हूँ कि आप लीफ कैसे पेस्ट करोगे, ओके। लीव्स को रोल कर, ठीक है, यहाँ तक रोल करने के बाद 1 मिनट रुक जाओ, और यहाँ पे लीव्स की कटिंग मैंने आपको बताई ही है कि कैसे करोगे। तो लीव्स की कटिंग के बाद ये फेविकोल लगाओगे, बीच में एल्यूमिनियम की पतली सी वायर लेके दूसरे लीफ को भी उस पर पैरेलल पेस्ट कर दोगे, ठीक है, ऐसे 10 सेकेंड्स में सूख जाएगा, और
ये आपका तब तक, आप ये इसको नीचे तक ले आओ ठीक है ऐसे, और ये लीफ पहले इसको अच्छे से सूख जाए, और ये आपका लीफ भी सूख गया है वायर के साथ। आप फिर ये जो एल्युमिनियम वायर है करके आप इसको रोल कर सकते हैं ऐसे ठीक है ऐसे। तो ये आपका ब्यूटीफुल सा रोज़ रेडी है। तो इस बार आप अपने हाथ से इतना ब्यूटीफुल रोज़ बना के अपनी मैम को या मैम ममा को ज़रूर गिफ्ट करोगे या अपने फ्रेंड को। और अगर आपके फ्रेंड को, ममा को, मैम को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं न्यू क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू।